हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सूरजमुखी के बीज कलेक्ट करेंगे। सूरजमुखी के बीज कलेक्ट करने के लिए हमें ऐसा फूल चाहिए जो फूल पूरी तरह से खिल चुका हो और खिलने के बाद उसमें बीज भी बन गए हो। ये देखिए, ये मेरा सूरजमुखी का जो फूल है ये काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। जब खिलने के बाद मुरझा जाएगा तो मैं इसी से बीज कलेक्ट करूँगी। देखिए, ये जो सूरजमुखी का फूल है अभी मुरझा चुका है और इसमें बीज भी बन चुके हैं, तो आज हम इसी से बीज कलेक्ट करेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से खिला हुआ था, अब इसमें बीज भी बन गए हैं। दो तीन दिन धूप में रखने के बाद अब हम अपने फूल की साफ़ सफाई कर लेंगे। पहले इसकी ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इसको हमें साफ़ कर लेना है। ये जो फूल के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल था इसको हमने निकाल दिया है, अब हम इसके बीज निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से निकाले, ये जो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के हैं ये बीज हैं। इस तरह से होते हैं इसके बीज, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के हैं। सूरजमुखी के बीज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ये खाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और आप इन बीजों को नेक्स्ट सीजन के लिए भी रख सकते हैं। एक ही फूल से इतने ज़्यादा बीज निकलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इसके प्लांट बना सकते हैं अपने घर में। देखिए, एक फूल से कितने ज़्यादा बीज निकल गए। सूरजमुखी के बीजों का कलर ब्लैक होता है और ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं खाने के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका यूज़ औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो बीज निकालने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इनमें कोई भी कचरा नहीं रहना चाहिए। जैसे छोटी छोटी पत्तियाँ इसमें बीच में रह गई हैं तो इनको साफ़ करने के बाद, धूप में सुखाने के बाद आप अगले सीज़न के लिए इनको रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांट अपने घर में ही सूरजमुखी के तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सूरजमुखी के बीजों को कलेक्ट करना सीखा।